बड़ी खबर है सूरत से, जहां सूरत में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। यह हादसा कब और कैसे हुआ पूरी जानकारी आपको देंगे। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो तांडव के खिलाफ हल्ला बोल की खबर है। आज वेब सीरीज तांडव के खिलाफ बीजेपी नेता राम कदम घाटकोपर थाने के बाहर धरना देंगे। कितने बजे यह धरना शुरू होगा और मुंबई पुलिस की रणनीति क्या होगी, ये पूरी खबर आपको तफसील से समझाएंगे। इसके अलावा तीसरी बड़ी खबर, कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए कोर्ट कमेटी की आज पहली बैठक होनी है। ये बैठक कहां होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा और कमेटी को लेकर किसानों का अब क्या रुख है, ये भी आपको बताएंगे। जबकि चौथी बड़ी खबर जिसके साथ आप दिन का आगाज करने वाले वो भी जान लीजिए, गाजीपुर बॉर्डर से है, जहां 26 जनवरी के दिन जो ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से, उसमें शामिल होने के लिए खालिस्तानी मॉडिफाइड ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसी के साथ हम पहुंचेंगे 26 जनवरी को। इस खालिस्तानी ट्रैक्टर का क्या कनेक्शन है ये आपको बताएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के सूरत से मिल रही है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। फुटपाथ पर सोए मजदूरों को डंपर ने रौंद दिया है और इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है। इसके अलावा कुल 13 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं, जबकि ये मौत का आंकड़ा वक्त के साथ बढ़ सकता है क्योंकि 8 जख्मी है, इनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। किन मंडावे स्टेट हाईवे 65 के किनारे यह हादसा हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के रहने वाले ये सभी मजदूर बताए जा रहे हैं, जो कि गंभीर रूप से घायल है। एक शख्स की मौत हुई है। सड़क किनारे आकाश खुला था मजदूरों का आशियाना, जी हां, और इन्हीं मजदूरों के आशियाने पर ये ट्रैक्टर चढ़ाया गया है, डंपर बताया जा रहा है। देर रात यह हादसा हुआ है। कुल 22 मजदूर थे जो कि फुटपाथ के किनारे सो रहे थे और ये अचानक डंपर उन पर चढ़ता है, जिसमें एक की मौत हो गई है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब ये सो रहे थे उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये रात उनके लिए आखिरी रात होगी। आंखों में सपने लेकर तमाम मजदूर यहां पहुंचे हुए थे और सड़क के किनारे ये सो रहे थे और उसी दरमियान ये डंपर वहां पर पहुंचा और एक एक कर सबको रौंदता हुआ ये डंपर जब निकला तो इनमें अब तक 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 8 अभी जख्मी हैं। खून से लथपथ कर गया फुटपाथ। ये डंपर की तस्वीर, घायलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे की ठीक बाद की ये तस्वीरें हैं, जबकि मृतकों का पोस्टमार्टम भी शुरू हो चुका है। तो गुजरात के सूरत में यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क किनारे सोए मजदूरों को डंपर ने रौंद दिया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हुई है, एक बच्चे के साथ साथ 13 लोगों की मौत बताई जा रही है। देखिए, मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, अब 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मंगलवार को ही सूरत के किम चरसटा में भारी अमंगल हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, 13 लोगों की मौत की खबर है। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब यह हादसा हुआ था, जब पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, किसी का आशियाना वहां पर बिखरा हुआ है तो किसी की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। आप सोचिए उस वक्त वहां क्या चीख पुकार, क्या चित्कार मचा रहा होगा, जब किसी को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। उनके साथ उनके बड़े भाई, उनके माता पिता सो रहे थे और सुबह जब उठे तो इस चीख पुकार के साथ उनकी नींद खुली और पता लगा कि उनके साथ रहने वाले तमाम लोग जो अपने परिवार का सहारा थे, जो सपना लेकर पहुंचे थे, वो यहां पर इस डंपर की वजह से अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। डंपर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर दोनों जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया था क्योंकि वो नींद में था, लेकिन उसकी इस गलती ने अब तक 13 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। सूरत ग्राम्य जिला पुलिस ना कोसंबा पुलिस स्टेशन मांडवी जता रोड पर एक खूबज गंभीर अने खूबज खेदजनक बनाव बन्यो छे, जेमा कुल 12 व्यक्तिओ घटनास्थल पर डंपर चढ़ी जवाथी फूटपाथ पर सूतेला मजूरोनो मृत्यु थया। किरण सिंह और किरण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। किरण सिंह, बेहद दुखद हादसा और देखिए 13 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे अपडेट आपके पास क्या कुछ है और वजह क्या कुछ रही इस बड़े हादसे के पीछे। जी, बड़ा हादसा हुआ है, 13 लोग की मौत हो गई है मौके से। जिस तरह की बातचीत, सूरत से 30 किलोमीटर दूर है जो मांडवी स्टेट हाईवे है, वहां पे सड़क के किनारे जो राजस्थान से जो मजदूरी की जो मजदूरी करने के लिए गुजरात आए थे, सभी लोग आए थे, वो लोग यहाँ पे सड़क के किनारे सोए हुए थे।
तकरीबन 15 से 20 लोग चले हुए थे, तभी एक डंपर आया और डंपर ने डंपर कुचलते हुए आगे चला गया। 15-20 लोग उसके ऊपर से चला गया था, 6 लोगों की मौके पे मौत हो गई और दूसरे जो घायल हुए उनको नजदीक के हॉस्पिटल में भेजा गया है। जी किरण हमारे साथ आप बने रहिए। वाकई ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे में जहां 22 मजदूर अपने घरों का सहारा बनकर यहां लेटे हुए थे, उनके ऊपर जब ये डंपर गुजरा तो उनमें से 13 ने अपनी जान गंवा दी है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, अब 5 तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद वहां चीख पुकार कैसे मची हुई थी, हड़कंप मचा हुआ था, प्रशासन की टीम पहुंची और वहां मौजूद तमाम लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कवायद शुरू की गई, क्योंकि ये उम्मीद थी कि इनमें से कुछ लोग अभी भी बच सकते हैं। आपको फुटपाथ की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो खून से सना हुआ था, खून से रम चुका था। 22 लोग इस हादसे की चपेट में आए हैं जिनमें से 13 ने अपनी जान गंवा दी है और उसके बाद जो कफन बना डंपर था वो डंपर किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, उसके ड्राइवर और हेल्पर की भी इस हादसे में चोट लगने से अस्पताल में उनका इलाज जारी है। और बताया जा रहा है कि ड्राइवर की गलती थी क्योंकि उसे नींद आ गई और स्टीयरिंग पर वो अपना कंट्रोल खो चुका था, जिसकी वजह से 13 लोग मौत की नींद अब तक सो चुके हैं। किरण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किरण कितने बजे के करीब यह हादसा हुआ था और अभी तक क्या सरकार का कोई नुमाइंदा घायलों से मिलने पहुंचा है? चलिए किरण का हम रुक करेंगे, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से ये डंपर मौत का डंपर बन गया। 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, तमाम मजदूर जो कि राजस्थान से सूरत आए थे मजदूरी के लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था कि आज की सुबह वो नहीं देख पाएंगे। जानकारी मिल रही है कि जो डंपर चालक था उसे नींद आई, उसने अपना कंट्रोल खो दिया, गाड़ी पूरी तरीके से अनबैलेंस हुई और उसके बाद ये डंपर फुटपाथ पर सो रहे मजदूरों पर चढ़ता हुआ दिखा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए यही वो फुटपाथ है जहां पर ये तमाम मजदूर सो रहे थे, अचानक ये डंपर स्पीड से आता है, जो ड्राइवर था इस डंपर का वो बैलेंस खो देता है और ये डंपर एक के बाद एक इन तमाम लोगों पर चढ़ता हुआ और उसके बाद 13 मजदूरों की मौत हो चुकी है। 13 मजदूर जो कि राजस्थान के बताए जा रहे हैं मजदूरी के लिए सूरत आए थे, लेकिन ये किस तरीके से डंपर इनके लिए काल बना उसकी तस्वीरें, 13 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और ऋतिका कोई भी खुशी से अपना घर छोड़कर दूसरे राज्य में नहीं जाता है, इन मजदूरों की कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि ये राजस्थान छोड़कर गुजरात में मजदूरी करने पहुंचे थे, लेकिन इन्हें जरा भी इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि अपने परिवार की सहायता के लिए दूसरे राज्य में ये कमाने जा रहे हैं तो वहां से शायद ये कभी लौट कर ही ना आ पाए। आज बेहद दर्दनाक खबर ये हम आपको बता रहे हैं, सूरत में ये दर्दनाक हादसा हुआ है जहां फुटपाथ खून से लथपथ नजर आए। सफर में हो या फिर घर पर, अब हर खबर होगी आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।